Hello everyone, welcome to another fantasy match preview. And before I get to the fantasy preview for this game, we have big news for you. It's a big day on Rario. यहाँ पर है आज 5 लाख के rewards. First prize 5 लाख, total 5 लाख नहीं, जैसे आपको बहुत सारे आज बोलते हैं reward pool, आज इतना reward pool, आज उतना नहीं. आज यहाँ पर first prize है 5 लाख and है free entry, zero entry. आपको क्या करना है, बस अपने cards खरीदने हैं. एंड जैसे आप ये कार्ड्स खरीद लेते हो, आप हो जाते हो एलिजिबल इस कॉन्टेस्ट के लिए. एंड इस कॉन्टेस्ट में आप खेल पाओगे ये मेगा प्राइस जो करेंटली आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. मेगा मैच जो है इनका तैयार है आपके लिए. एंड चलते हैं इस कॉन्टेस्ट की तरफ, देखते हैं कि आप ये कॉन्टेस्ट कैसे ज्वाइन कर सकते हो. बेसिकली ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में. 1600 रुपये आपको मिल जाएंगे. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 4.8 लाख के रिवॉर्ड्स. एंड साथ साथ में जो लोएस्ट प्राइस भी है इस गेम का वो है $1.80. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ये प्रीव्यू शूट कर रहा हूँ गेम के रात पहले. एंड करेंटली यहाँ पे सिर्फ 15,000 टीम्स ज्वाइंट हैं, वाइल रिवॉर्ड्स यहाँ पर 26,000 रैंक तक. तो यहाँ पर लीग भरने के आसार बहुत ही कम है, तो बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए कि आप जाके रिवॉर्ड्स ले पाओ. एंड ये कार्ड्स याद रखना, आप आगे भी यूज कर सकते हो, नॉट ओनली IPL में बट आगे के जो इंटरनेशनल मैचेस है आप वहाँ पे भी इन कार्ड्स को यूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है. एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पर, ये जो कार्ड्स का प्राइस है करेंटली $7 का एक पैकेज, जिसमें 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जैसे आप मेरा लिंक यूज कर लोगे. तो 3.5 में आपको मिल जाएगा ये पैक. एंड बाकी 3.5 तो जैसे आप खर्चा करोगे, $1 वही मैच से आप कमा लोगे. एंड आगे तो बहुत सारे मैचेस हैं ही, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस्ट रिकवर. एक बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए टू गो एंड टेक दिस गारंटीड रिवॉर्ड्स. एंड अब चलते हैं फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ आज की गेम के लिए. और है हमारे साथ निखिल भाई. हाउ आर यू डूइंग निखिल भाई, एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द गेम टुडे? या यू आर ऑन म्यूट. क्लासिक जैसे मैचेस हुए हैं, फैंटेसी थोड़ा म्यूट कर दिया है हमें, पर थैंकफुली द बेस टीम्स, कॉमन टीम्स आर वर्किंग, व्हिच इज समटाइम्स ए फेज होता है जहां पे यू हैव टू रिस्क एंड समटाइम्स यू हैव टू रियलाइज कि भाई रिस्क लेके मतलब नहीं है. तो कुछ मैचेस वैसे गए हैं, कुछ मैचेस अच्छे भी गए हैं. होपफुली अभी कोई इज अराउंड एंड वी कैन ऑल्सो. यस एब्सोल्युटली. सो वील स्टार्ट. ये गेम है लखनऊ वर्सेज चेन्नई का. एंड गेम खेला जाएगा एकाना पे, जहाँ पे बोलर्स को मिली है बहुत ज्यादा मदद एंड हम हो गए हैं बहुत ज्यादा खुश. तो चलते हैं वेन्यू कंडीशंस की तरफ. सो जैसे हमें पता है एकाना पे दो टाइप्स ऑफ पिचेस हैं, एक है जो ब्लैक सॉइल का पिच, दूसरा है रेड सॉइल का पिच. जो ब्लैक सॉइल का पिच है वहाँ पे बाउंस काफी लो है, डिफिकल्ट फॉर बैटिंग है, वाइल जो रेड सॉइल वाला पिच है वहाँ पे थोड़ा सा इवन कंडीशंस है फॉर बैटर्स एंड बोलर्स. अब तक ये कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा पिच यूज होगा, बट याद रखना कि कल आफ्टरनून गेम है. हमने देखा है ब्लैक सॉइल पिच पर ऑलरेडी बहुत ही कम रन बन रहे हैं, तो आफ्टरनून पिच पे और कितने रन बनेंगे ये आपको निखिल भाई बताएंगे. देखो आई थिंक पहले तो काफ़ी अच्छी बात ये कही है कि जो डिफरेंस है बिटवीन ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल, वो टू नो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ब्लैक सॉइल डजेंट अलाउ यू इनफ बाउंस एंड लेसर पेस, इट्स स्लो, सो इट्स हार्डर टू हिट बाउंड्रीज. तो हमने देखा जो भी गेम्स लो स्कोरिंग हुए हैं लखनऊ में, वहाँ पे बाउंड्रीज हिट करना बहुत मुश्किल हुआ है. तो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स जाना पड़ता है, आपको ऐसे प्लेयर पिक करने हैं जो सिंगल डबल्स ले सकें पर वो स्पिन के अच्छे प्लेयर होने चाहिए, तो उनका सिंगल डबल लेना पॉसिबल है. नहीं तो फिर पूरन और स्टॉनिस जैसे प्लेयर को आप टीम में तो रखोगे, पर देन गो फॉर दैट, वो अगर बड़े शॉट लगाने जाएंगे तो बाउंड्रीज बड़ी है. 67-69 इज स्टिल बिग इनफ ऑन अ स्लो विकेट. फास्ट विकेट होता है तो फिर वो छोटी होती है कि हाँ भाई यू कैन क्लियर दैम वेरी इजिली. पर अगर बड़ी बाउंड्री है और दोनों टीम के पास बहुत स्पिनर है, लखनऊ के पास तो एक टाइम पे 10 बॉलिंग ऑप्शन हो सकते थे, तो कल पता नहीं कितने 12-15 खिलाएंगे, तो वो देख लेना. और एक और बात, स्लाइट चांस है बारिश का, तो इन्वेस्टमेंट भी देख के करना, इट कुड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो छोटा मैच होगा तो जो ऑलरेडी एक लॉटरी लग रही है वो और लॉटरी ना हो जाए, उसका ध्यान रखना. यस एब्सोल्युटली. सो कंडीशन इस मैच में होंगे आपके लिए की, एंड क्योंकि कंडीशन है की एंड बोलर्स के लिए थोड़ी ज्यादा हेल्प है, आप में भी मल्टीपल टीम्स भी बना सकते हो इस गेम में. तो चलते हैं बेस टीम की तरफ. तो
तो बेस टीम की तरफ चलते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, मल्टीपल टीम्स बना सकते हो। जो फैन टू प्ले पर एक करेंटली एक एडवांटेज चल रहा है, जो ग्रैंड लीग है वहां पे डिस्काउंट भी चल रहा है। जो 39 का ग्रैंड लीग है वो आप 35 में ज्वाइन कर सकते हो, साथ साथ 10% बोनस कैश भी यूज कर सकते हो। ये बोनस कैश आपको कैसे मिलेगा? जैसे आप लिंक से साइन अप कर लोगे, आप जिस भी चैनल पर ये देख रहे हो वहां से आप जैसे साइन अप कर लोगे आपको मिल जाएगा एक बोनस, एंड प्लस आपके पहले डिपॉजिट पर 200% बोनस कैश। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा ये लीग्स। एंड अब चलते हैं आज की टीम की तरफ, एंड वी विल स्टार्ट स्ट्रेट विद द कीपिंग सेक्शन। सर, हु इज योर फर्स्ट चॉइस? या देखो, ये जो हमने डिस्कस करा था कि द कॉमन ऑप्शन एंड द ऑब्वियस वंस विल बी डेविन कॉनवे, और आप पुरन को भी लेके जा सकते हो, बट जो पुरन ने पिछले गेम में किया इट कुड वर्क फॉर यू एंड ऑल्सो अगेंस्ट यू। तो अगर वो सही से अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे प्लेयर हैं जो डिफरेंस हो सकते हैं दो टीम्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे आपको 15-20 बॉल में 30 मारना भी बड़ा बात होगा। तो उसमें अगर आपको बाउंड्री की बोनस मिल जाए तो बहुत भी अच्छी बात है, पर अगर वो पहले 5 बॉल में ज्यादा रिस्क ले ले आउट हो जाए तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो केल राहुल नहीं खेल रहे हैं, तो देखना कि क्या टीम क्विंटन को कहाँ फिट कर पाती है क्या, और कीपिंग कौन कर रहे हैं। अगर पूरन कीपिंग भी कर रहा है वापिस है तो मे बी यू कैन स्टिल टेक अ रिस्क ऑन हिम, पर आपको वापिस कोई ऑलराउंडर या बॉलर छोड़ना पड़ेगा, तो वो कंप्लीटली आपका कॉल है। ये गेम बहुत अच्छा है फॉर मल्टीपल कॉम्बिनेशन, क्योंकि बेस टीम आपका सेम रहेगा, स्पिनर सभी में रहेंगे अगर रेब्लैक्स वाली कहते तो आप इजीली फिर रोटेट कर सकते हो वहां पे। एब्सोल्युटली। एंड हम क्यों कह रहे हैं कि ये गेम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के लिए अच्छा है, क्योंकि जब हम एक हाई बैटिंग स्कोर या हाई अच्छी बैटिंग पिच पे खेलते हैं, वहां पे जीएल टीम बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बैटर्स पे बैंक करते हो। एंड जैसा हम हमेशा कहते हैं, बैटर्स के लिए एक खराब शॉट काफी है आपका दिन खत्म करने के लिए, बट विद बॉलर ही हैज 24 चांसेस और 18 चांसेस और एटलीस्ट 6 चांसेस, सो यू हैव अ गुड चांस ऑफ स्टेइंग एंड स्टिकिंग इन द गेम। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इट्स अ गुड गेम फॉर यू टू ट्राई। जैसे आपने कल देखा, मेरी फाइनली मैं 10 मैच के बाद एक मैच जीत गया वही पिच के सहारे। एंड बैटिंग में हम लेंगे यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ एंड दीपक हुड्डा को। अब दीपक हुड्डा ऑब्वियसली थोड़े एक्स फैक्टर टाइप ऑफ चॉइस है, क्योंकि फॉर्म उनके साथ खास चल नहीं रहा है, बट नाउ विथ नो केएल राहुल ही विल बिकम द मोस्ट सीनियर इंडियन बैटर। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एंड साथ साथ में इस टीम में कोई ऑफ स्पिनर है नहीं, तो अगर उनको स्टार्ट करना है ऑफ स्पिन के साथ तो उनके पास वही एक आसार है जो है दीपक हुड्डा। एंड निखिल भाई, आपको क्या लगता है, अजिंक्या दुबे, क्या क्या आप मेजर करते हो इन चॉइसेस को, स्पेशली अजिंक्या? क्योंकि हमने देखा है व्हेन द पिचेस आर गुड फॉर बैटिंग तब उनके रन अच्छे से फ्लो होते हैं, बट हमने टेस्ट मैचेस भी में भी देखा जैसे पिच थोड़ी सी स्लो हो जाती है वहां पर थोड़ी तकलीफ होती है उनको। तो हाउ डू यू रेट हिम एंड हाउ इन व्हाट सिनेरियो आप उनको पिक करेंगे? देखिए, मेरा बहुत ज्यादा चांस है कि मैं इन दोनों के साथ रहूं या तो फिर मैं शिवम पे रिस्क लूं, क्योंकि अगर शिवम के साथ मेरा लॉजिक सेम रहेगा जैसा पूरन के साथ है, कि अगर वो टिक जाता है 5-10 10 बॉल तो वो जैसा प्लेयर है वो मेरे को 30-40 पॉइंट दे देगा। पर विद रहाने आपको वो कॉल लेना है कि क्या वो स्पिन को मनोवर करके खेलेंगे। तो देखो, इट इज अ सिंपल लॉजिक, हाउ विराट एंड फाफ प्लेड यस्टरडे 30 बॉल 31, ऐसा ना ये पिच पे चल जाता है कभी कभी, तो रहाने कैन डू दैट, पर अगर वो 30 में 50 मारने जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। तो ये गेम्स में आपको वो एक गटफी लेना पड़ेगा, और सामने मिश्रा जी हैं जिनके खिलाफ रिकॉर्ड काफी मतलब इफी खराब। है रहने का। तो अगेन, ये जो बॉलिंग है लखनऊ की, कोई भी कभी भी कहीं भी डालता है, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि वो बंदा मल्टी फैसलेट हो। तो इसके लिए हमने अब तक सब ऐसे प्लेयर चूज किए जो शायद दोनों डिपार्टमेंट में आपको कुछ दे सके। तो याद रखिए, हुडा बॉलिंग भी कर सकता है, के गौतम भी बॉलिंग कर सकता है, पर हुडा भी बॉलिंग कर सकता है। तो अगेन, यू कैन ट्राई रहने, मे बी पहले बैटिंग करते समय आप ट्राई कर सकते हो कि शायद वो प्रेशर ना हो कि क्या स्कोर चेंज कर रहे हैं या जो भी है, तो मे बी ही मे बैट बेटर, बट अगेन रिस्क तो होगा। तो शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, पदोनी, अगेन रायडू अब तक नहीं चले बट स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो अगेन बहुत बैटिंग ऑप्शंस है, बट अगेन बहुत मुश्किल होगा किसी एक कॉन्फिडेंटली बोलना कि ये चलेगा। यस, एब्सोल्युटली, काफी ऑप्शंस, बट पिच आपके लिए वो काम थोड़ा मुश्किल कर देती है। तो चलते हैं आसान काम की तरफ, ऑलराउंडर्स पिक करते हैं। इस पिच पर स्पिन ऑलराउंडर्स भरपूर है हमारे पास, रविंद्र जडेजा, क्रुणाल पांड्या, मोइन अली, ये तीनों आपकी टीम में रहेंगे इन मोस्टली इन एवरी सिचुएशन। उसके अलावा अगर मिचेल सैंटनर ये गेम खेलते हैं तो बन जाते एक अच्छे ऑप्शन। एंड यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूंगा, बहुत लोग जडेजा को एज कॉमन कैप्टन बनाएंगे, एंड जरूर बनाना भी चाहिए एज उनका लो आर्म एक्शन है, ब्लैक सॉइल पिच अगर खेलेंगे तो लो बाउंस भी हो सकता है, बट
बैटिंग में उनका रिकॉर्ड अमित मिश्रा के सामने काफी खराब है, 4 बार आउट हो चुके हैं स्ट्राइक रेट 100 के नीचे, एंड दिस इज नॉट अमित मिश्रा ओनली मैचअप फॉर दिस गेम। जैसे निखिल भाई ने कहा, वो रहाणे को भी 3 बार आउट कर चुके हैं, राइडू को भी 3 बार आउट कर चुके हैं, तो उनके काफी पॉजिटिव मैचअप्स है। एंड मैंने प्रीवियस गेम में कहा था कि एक मेरा मिस्टर एक्स वाई जेड है वो थे खलील, यहाँ इस गेम में मेरे मिस्टर एबीसी होंगे अमित मिश्रा, क्योंकि पिच भी उनको इस सिनेरियो में सपोर्ट कर सकती है। एंड बोलिंग में तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइसेस हैं। पहले चॉइस मैं एक चॉइस निखिल भाई के लिए छोड़ूंगा, बाकी चॉइसेस ले लेता हूँ, रवि बिश्नोई, महेश तिक्षाना, अमित मिश्रा एंड पथी राणा। निखिल भाई, हु विल बी योर लास्ट चॉइस फ्रॉम दिस सेक्शन? नवीन अलग, नवीन अलग विल प्ले दिस गेम? हाँ क्यों नहीं खेलना चाहिए आइडियली। ठीक है, चलो यार, वी आर गोइंग बाय द क्रिकेटिंग लॉजिक दैट ही शुड प्ले दिस गेम, एंड एंड कैप्टेंसी एंड वाइस कैप्टेंसी वुड बी जडेजा एंड बिश्नोई फॉर नाउ। ऑब्वियसली जैसे हमने कहा, वी आर बैकिंग जडेजा मोर फॉर हिज बोलिंग स्किल्स। वी नो कि जैसे वो जो पोजीशन पे बैटिंग करने आते हैं, थोड़ा डिले हो सकता है उनका नंबर, एंड जब तक वो आ जाएंगे पिच ज्यादा स्लो हो जाएगी, सो हेंस वी आर बैकिंग हिम फॉर हिज बोलिंग एबिलिटी। मे बी आपको एक दो कैच ले दें, 10 रन बना दे, दैट शुड बी इनफ फॉर यू, बिकॉज विद द अदर स्पिनर्स यू नो कि आप जीएल में आप हर स्पिनर को ट्राई कर सकते हो एज कैप्टन वाइस कैप्टन, बट अगर कोई स्पिनर को उन्होंने खेल के निकाल लिया तो स्मॉल लीग में आपको वहाँ तकलीफ हो सकती है। सो दिस इज आवर टीम फॉर नाउ। निखिल भाई, योर थॉट्स ऑन काइल मेयर्स, मार्कस टॉइनिस, एंड आप क्या सिनेरियो में इन प्लेयर्स को पिक करोगे? तो देखो सीधी बात है, आपको किसी एक को या बॉलिंग से बॉलिंग फर्स्ट या बॉलिंग सेकंड में ड्रॉप करना पड़ेगा। विथ नो केएल स्टॉइनिस की बैटिंग पोजीशन बहुत क्रूशल हो जाती है, और वो बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो वो आप डेफिनेटली यू कैन टेक हिम फॉर मोइन अली, अगर आपको लगता है कि मोइन अली इफेक्टिव नहीं रहेंगे विद द बैट या विद द बॉल, क्योंकि ये गेम पूरा ही प्रॉपर मल्टीपल कॉम्बिनेशन के लिए आइडियल गेम है, क्योंकि यू कैन मेक सिनेरियो वाइज कि अगर कृणाल पांड्या नहीं चाहिए मुझे, मुझे लगता है लेफ्टीज के सामने बॉलिंग नहीं करेंगे कृणाल पांड्या या शुरू में डाल देंगे, तो फिर कृणाल पांड्या को हटा के स्टॉनिस ले लो। अब काइल मेयर्स सबसे बड़ा कंसर्न है, और वो मेरा ग्रैंड लीग पिक भी है, तो वो मैं अभी बोल देता हूँ आपको, क्योंकि ओके वेट 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 ठीक है, चलो वी आर पुटिंग द स्मॉल ट्रांजिशन ताकि हमको याद रहे कि हमको ग्रैंड लीग वाला ट्रांजिशन डालना है। ओके सर हैज ऑलरेडी रिवील्ड हिज फर्स्ट पिक, सर ओवर टू योर सेकंड पिक। क्योंकि देखिए ये जो प्लेयर है, मतलब बाकी जो पूरी टीम है वो पूरी की पूरी कॉमन, सब लोग सब स्पिनर को लेके आएंगे, पर याद रखना अगर रेड सॉइल विकेट हो जाता है तो फिर मार्कस स्टॉइनिस आ जाता है टीम में, यूके टीम में काइल मेयर्स भी आ जाएगा, और काइल मेयर्स को पिक करने का सिंपल सा कारण ये है कि चेन्नई शुरू में पेस डाल रही है, और काइल मेयर्स को ट्रबल होता है बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग से। अब अगर तुषार का लाइन सही रहा तो ही विल गेट आउट फॉर अ डक, तो फिर कोई टेंशन नहीं, पर अगर भाई साहब थोड़ा स्प्रे कर दिए इधर उधर, काइल मेयर्स इतना इधर उधर लेके जाएगा टीम को कि वो 15-20 बॉल में 40 मार के दे देगा, एंड देन एंड पूरे सीजन में हम वेट कर रहे हैं कि कब मेयर्स जल्दी आउट होगा, कब मेयर्स जल्दी आउट होगा। वो दोनों बार आरसीबी के खिलाफ हुआ है, और आपने देखा है कि कैसे हुआ है। तो अगेन ग्रैंड लीग ऑप्शन इसी के लिए है कि अगर आपको लगता है कि वो जल्दी आउट हो जाएगा, तो इन बोथ वेज इज अ ग्रैंड लीग ऑप्शन, ड्रॉप करने में भी और पिक करने में भी। आपको आपके गट फील के बेसिस पे उसको लेके जाना है कि भाई ये क्या करेगा। So that is the pick from the Lucknow team. Chennai की टीम से हाँ मतलब थोड़ा जैसा सब हो रहा है थोड़ा याद बराबर मैं बराबर ही बोला थैंक यू चेन्नई से वो जो पिक है सी इट हैज टू बी वन ऑफ द थ्री स्पिनर्स हु डू यू थिंक विल कम आउट द मोस्ट सी सो फार जडेजा हैज हैड एन इम्पैक्ट पर मोइन अली का वो इम्पैक्ट नहीं रहा है और बॉलिंग से भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि ज्यादा बॉलिंग करनी चाहिए जैसी चेन्नई की लाइनअप है तो पिछले बार 4 विकेट लिए थे तो आई होप ही कैन डू द जॉब नहीं तो आपके पास तीक्ष्णा है ही सो मोइन अली एंड तीक्ष्णा बोथ ऑफ स्पिनर्स हैवंट हैड अ ग्रेट टाइम दोनों में से कोई एक को तो चलना पड़ेगा फॉर चेन्नई टू विन तो अगेन सारी बेस्ट टीम में से ऑप्शन है पर हाँ दैट इज व्हाट इट इज बेसिकली योर जीएल कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइसेस एसेंशियली एंड मेरी चॉइस भी कुछ सिमिलर ही है बेस टीम से, एक है अमित मिश्रा, मैंने आई थिंक ऑलरेडी बता दिया क्यों, काफ़ी अच्छे मैचअप्स है एंड ऐसी ट्रैक पे हमने देखा है अगर स्पेशली ब्लैक सॉइल ट्रैक रहा तो जो बॉलर स्लो डाल रहा है फ्लाइट कर रहा है बॉल को उन्हें ज़्यादा हेल्प मिल रही है ट्रैक से, सो हेंस इज माई फर्स्ट पिक।
एंड सेकेंड पिक इज सेम एज फर्स्ट पिक, थिक्षाना। आई थिंक लो आर्म एक्शन है, काफी लेफ्ट हैंडर्स है सामने, तो मेक सेंस। नाम के लिए दूसरा पिक नहीं लूंगा, आई थिंक मेक सेंस टू बैक हिम, एंड हेंस ही इज द सेकेंड पिक। सो दैट्स एज बिल्कुल फार एज आर ग्रैंड लीग ऑप्शन फॉर दिस गेम आर कंसर्न। ये गेम बन सकता है आपके लिए एक्सचेंज 22 पे, जिसे हम कहते हैं मल्टी बैगर, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लुक्रेटिव ऑप्शन है। तो चलते हैं उसकी तरफ, हमारे एक्सचेंज 22 पिक्स की तरफ। सो सर, लखनऊ वर्सेस चेन्नई एक्सचेंज 22 पिक्स। वी विल स्टार्ट विद द लखनऊ साइड ऑफ थिंग्स। क्या लगता है आपको, काफी अच्छे से प्राइस किया स्पिनर्स को, क्योंकि उन्हें भी आई थिंक आइडिया है कि सब स्पिनर्स को ही बैक करेंगे, तो कौन से स्पिनर को आप बैक करोगे? ऐसे काफी, मतलब 2 विकेट भी लिए तो भी आप जस्ट इन प्रॉफिट वाले सिनेरियो में रहोगे। हाँ बिल्कुल। तो देखो ये फिर भी जो अगर आप देखें दैट इज व्हाट हमने हमारा हर इसमें प्रीव्यू में यही बात रही है कि दो विकेट्स यू हैव टू एक्सपेक्ट अच्छे स्पिनर से। तो 2 विकेट में अगर आप देखें कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो अभी के लिए वो अमित मिश्रा दिख रहा है, अभी के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट नवीन उलग भी दिख रहा है और वो काफी डिसेप्टिव बॉलर है। तो वो बैट्समैन खेलेंगे बता तो ले। हाँ खेलेंगे तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हो जाएगा, कोई भी पहले बॉलिंग करे बाद में बॉलिंग करे। तो आई थिंक दोनों केस में वो क्रूशल हो जाता है। और बाकी कोई ऐसा डायरेक्ट जैसा आपने पहले बात करी है कि यार 20 पे है 25 पे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ऑब्वियस हो जो कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो प्राइजिंग एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से काफी फेयर है। यहाँ पे उल्टा सेल के लिए ऑप्शन आपके पास ज्यादा है। मोइन अली एट 42, अगर आपको लगता है कि बॉलिंग नहीं करेगा फ्लॉप होगा तो आप उसे सेल करो, या बॉलिंग करके 1 विकेट लेगा और थोड़े रन मारेगा तो भी आप उसे सेल कर सकते हो। तो अगेन ये गेम सेल के लिए ज्यादा बेटर लग रहा है, पर इट कुड इजीली गो द अदर वे ऑल्सो। थिक्षाणा भी है 32 पे, पथिराना है 20। पतिराना। पर देखो पथिराना बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं पर लक थोड़ा साथ नहीं दे रहा, पडिकल के भी एजेस आए थे इधर उधर चले गए थे। तो ये गेम जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज प्रॉब्ली बेटर वन फॉर फैंटेसी इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन दैट यू कैन ट्राई, पर एवरीथिंग दैट यू हैव डिस्कस्ड इज इफ इट्स अ ब्लैक सॉल विकेट। ब्लैक सॉल विकेट रहेगा तो यू हैव टू गो बैक टू पेसर्स, बैक देम, और वो आपको टीम लाइन में भी दिख जाएगा। सो प्लीज वॉच आउट फॉर व्हाट द कैप्टन से एट द टाइम ऑफ द टॉस के व्हाट दे एक्सपेक्ट, कौन सा विकेट है, उसके हिसाब से प्लीज मेक योर सिलेक्शन एंड इन्वेस्ट वेरी स्मार्टली। मैंने कहा था थोड़ी बारिश की संभावना है, इट कुड मेक पिच बेटर ऑल्सो इवन इफ इट्स अ ब्लैक सॉल विकेट। तो अगेन उस जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स कर सकते हैं अपन, बाकी तो फिर देखो जय माता दी है। यस एब्सोल्युटली। सो सर ने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया दोनों साइड से। मेरी एक ही पिक है इस गेम से, महेंद्र सिंह धोनी। आई थिंक कुछ और हो ना हो, फर्स्ट बैटिंग में मौका तो मिल ही जाना चाहिए ऐसे पिच पर। तो जैसा फॉर्म चल रहा है साहब का, 10-15 रन तो दे ही देंगे इजिली, एंड साथ साथ में जैसी ट्रैक है कीपिंग भी कर रहे हैं, तो एक आध कैच एक स्टम्पिंग आपका काम में, मुझे तो लग रहा है कीपिंग से ही हो जाएगा इस गेम में। So hence he can be a पॉसिबल good pick. And sir, here in the multi bag also there can be a good chance I guess in this game, क्योंकि जो spinners हैं उनको काफी उनपे आपको काफी return मिल सकता है in the multi bag. So बिश्नोई पे 22 times, मिश्रा पे तो अब तक calculate ही नहीं हुआ, कुछ किसने लिया ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा pick हो सकता है जो ये इस game में multi bagger हो सकता सर, मिश्रा पे रिस्क ले सकते हो। है? पर अगेन मल्टी बैगर तो मैं उतना स्किल्ड नहीं हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे लगता है द रिस्क इज फार हायर स्पेशली इन सच गेम्स। तो अगर कोई और टाइप की गेम हो जहाँ पे आपको पता है कि रन बनने वांकड़े हैं, तो शायद आप स्काई या टिम डेविड ऐसे प्लेस पे रिस्क ले सकते हो जो ज्यादा बाउंड्रीज मारते हैं। तो बट क्योंकि ये पिच स्पिन हैवी है, समबडी कुड इजिली बोल वेल एंड नॉट टेक विकेट एंड द अदर गाय कुड टेक 2-3। तो ट्राई आप कर सकते हो, सभी को, जडेजा को, अमित मिश्रा को, मोइन अली को, और ऑलराउंडर्स को ट्राई करोगे तो बेटर है क्योंकि बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। यस एब्सोल्युटली। सो दैट्स द गेम फॉर यू। वी होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस प्रीव्यू। हैव अ ग्रेट गेम। ऑल द गुड लक टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय, यू स्मैश द लाइक बटन एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। यस एंड जस्ट बिफोर वी रैप दिस अप, दिस गेम इज फाइनेंशियली एडिक्टिव, सो प्लीज इन्वेस्ट स्मार्टली एंड प्ले रिस्पॉन्सिबली। यस एब्सोल्युटली। प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड वी विल सी यू ऑल वेरी सून फॉर द नेक्स्ट वन।